आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक मुबारकबाद। मैं भी दरअसल अपनी बहन से मिलने आया हूँ और आप देख सकते हैं कि उसने भी मुझे राखी बांधी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, राखियों का जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बड़ी से बड़ी राखी बंधवाता था, यानी कि मेरा हाथ एकदम छोटा सा होता था और राखियों से भर जाता था। मगर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं शायद राखियाँ छोटी होती जाती हैं, मगर इस बंधन के मायने नहीं बदलते, इसकी खूबसूरती नहीं बदलती, इसकी पवित्रता नहीं बदलती और इसके मायने अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे बीच में जैसे जैसे राजनीतिक खटास बढ़ती जा रही है, हमारे बीच में जैसे जैसे मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते हो क्या रहा है, जब लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं तो अमूमन लोग एक दूसरे की बहनों को टारगेट करते हैं, माओं को टारगेट करते हैं। और मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक मतभेद की। और राजनीतिक मतभेद के चलते जो एक द्वंद्व शुरू हो गया है उसका चेहरा इतना बदनुमा कभी नहीं रहा। लिहाजा मैं चाहता हूं कि हमारे राजनेता और उनके समर्थक रक्षाबंधन के दिन हम सबको एक वादा करें। पहला वादा, हमारे राजनेता हमें यह वादा करें कि वो अपनी पार्टी में किसी बलात्कारी को, क्या जिस पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई मामला हो, उसे टिकट नहीं देंगे। हमारे जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो उन नेताओं को सबक सिखाएंगे, उन्हें डांट लगाएंगे जो अमूमन महिलाओं के प्रति अपमानजनक बातें कही जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हमें वादा करेंगे कि आज के बाद वो ट्विटर पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को फॉलो नहीं करेंगे जो महिलाओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह अपील मैं इससे पहले कई बार कर चुका हूं और मैंने अकेले से उनसे अपील नहीं की है, ऐसे कई लोगों ने उनसे अपील की है, मगर इस अपील का प्रधानमंत्री पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब भी वो ऐसे लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूं रक्षाबंधन एक ऐसा मौका हो मोदी जी जब इस चीज की शुरुआत हो। और यही अपील मैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से भी करना चाहूंगा कि वो अपनी पार्टी में ऐसी संस्कृति को बढ़ावा ना दें जहां महिलाओं का अपमान हो। आपकी पार्टी में ऐसे नेता, ऐसे समर्थक ना हो जो महिलाओं का अपमान करें। और अब मेरी अपील है समर्थकों से मेरी अपील यह है, खासकर मोदी भक्तों से, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदी जुबान मोदी भक्तों की ही है। आपसे मैं अपील करता हूं कि अगर आपके किसी के साथ मतभेद हैं तो आप विचारों के जरिए उसे समझाने की कोशिश करें, उसकी मां या उसकी बहन को टारगेट ना करें। क्योंकि आप ये सोचिए, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, क्या आप इसी तरह के शब्द अपने ड्राइंग रूम में अपनी माताओं और बहनों के बीच में कर सकते हैं? उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। लिहाजा आपसे अपील है कि आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। संवाद हमेशा सभ्य होना चाहिए, संवाद हमेशा गरिमा की लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत होना चाहिए। क्योंकि जब आप गाली गलौज करते हैं तो सबसे पहली बात आप अपनी परवरिश का परिचय देते हैं, और जब आप गाली गलौज करते हैं तो यह साबित हो जाता है कि आप आर्ग्यूमेंट, जो बहस है, उसे आप हार चुके हैं। और उसी तरह से राजनेताओं, समर्थकों के बाद अब मैं अपील करने जा रहा हूं पत्रकारों से। मैं पत्रकार होने के नाते ये वादा करता हूं कि मैं अपने शोज में, अपनी रिपोर्ट्स में ऐसे किसी व्यक्ति को बढ़ावा नहीं दूंगा जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक बातें कहता हूं। मैं वादा करता हूं
कि ऐसे लोगों को लगातार एक्सपोज करता रहूंगा, चाहे वो ताकत की जिस स्थिति में हो, जो महिलाओं का अपमान करता हो। आज रक्षाबंधन के दिन मैं ये प्रण लेता हूं और ये प्रण मैं आने वाले कई सालों तक भी लेता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम इंसान हैं, हम सुधरते नहीं हैं, मगर मेरा फर्ज है कि कम से कम मैं शुरुआत अपने स्तर पर करूं। तो क्या ये वादा आप मुझसे करते हैं, चाहे राजनेता हो, समर्थक हो या पत्रकार, क्या आप ये प्रण लेते हैं?